उत्तरकाशी के धरासू बैन के बाद फ्रीलांस लाई यमुनोत्री एनएच 134 बंद, दोनों और पांच फंसी गाड़ियां, राजमार्ग खोलने की कोशिश नाकाम। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि पर संग्राम जारी, अमृत अनशन पर बैठे छात्र की बिगड़ी तबीयत, एम्बुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल। बरेली जिले के फरीदापुर में सीएस इंटर कॉलेज के बाद छात्रों के दो गुट भिड़ गए, छुट्टी के बाद किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मारपीट तक पहुंच गई। यूपी में अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं, जालौन में 20 से ज्यादा दुकानें जमींदोज, झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी थी अवैध दुकानें। बिजनौर जिले के प्राथमिक स्कूल अलीपुरा में बच्चों से साफ सफाई करवाने की बात सामने आई, यहां बच्चों के हाथ में झाड़ू और फावड़े का वीडियो वायरल हो गया। ऋषिकेश के दो सगी नाबालिग बहनों का 45 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग, आईडीपीएल थाने में शिकायत के बाद पड़ोसी युवकों से पूछताछ हुई। अंकिता हत्याकांड को लेकर आरएसएस नेता विपिन गढ़वाल के विवादित बयान पर भड़का गुस्सा, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। अंकिता के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक मदद, सीएम धाबी ने किया ऐलान, कहा कि दोषियों को दी जाएगी सख्त सजा, जल्द न्याय के लिए फास्ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। बहराइच में कई छात्राओं की फेसबुक आईडी है अश्लील वीडियो कॉल और अश्लील फोटो स्टेटस डालकर हैकर्स कर रहे ब्लैकमेलिंग, पीड़ित छात्राओं ने एसपी से की शिकायत। बस्ती के कैली अस्पताल के तीन डॉक्टर पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज, लखनऊ के महिला ने दर्ज कराया एफआईआर, छात्रावास में रेप का लगाया आरोप। नाबालिग से रेप और हत्या मामले में फांसी की सजा पाया श्रावस्ती का शख्स, सुप्रीम कोर्ट से बरी, पुलिस की जांच और लोअर कोर्ट की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। खनन माफिया हाजी इकबाल की 203 करोड़ की संपत्ति सीज, फरार पूर्व एमएलए पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, रेप के मुकदमे में 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया। कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थली विदेशी सैलानियों से गुलजार होने लगा है, कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद यहां 111 वियतनामी पर्यटकों का दल बुद्धि स्थल पहुंचा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सैन्य चौकी के पास खड़ी बस में जबरदस्त धमाका, दो बस एक क्षतिग्रस्त और दो लोग घायल। महाराष्ट्र के जालना में 1.5 साल की बच्ची की चोरी का मामला आया सामने, बिस्तर पर सो रही बच्ची को उस वक्त चोरी किया गया जब उसकी मां खेत में काम कर रही थी। यूएपीए के तहत 5 साल के बैन के बाद अब पीएफआई और उसके नेताओं पर डिजिटल स्ट्राइक, ट्विटर अकाउंट भारत में बंद हुए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने की कार्रवाई शुरू। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा, सूरत और भावनगर में करेंगे रोड शो, अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। एनडीएमसी की मीटिंग में बीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ सवालों पर मांगे दिल्ली के मुख्यमंत्री से जवाब, केजरीवाल के बैठक बीच में छोड़ जाने का वीडियो आया सामने। राजस्थान संकट पर कांग्रेस का मंथन जारी, दिल्ली पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, आज सोनिया गांधी से मिलकर नामांकन कर सकते हैं चर्चा। केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस में दिवाली गिफ्ट, 4% बड़ा महंगाई भत्ता, गरीबों के लिए 3 महीने बड़ी मुफ्त राशन योजना, रेलवे कायाकल्प पर 10,000 करोड़ का ऐलान।